हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार सिंगल एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं क्लास 12th से रिगार्डिंग हम लोगों ने जो एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज चालू की हुई है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल करवाते हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम उन सारे क्वेश्चंस को आपको यहां पर डेली बेसिस पर सॉल्व करवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं आपकी क्लास कंडक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आगे से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। क्या शुरू करते हैं अपन, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या शो करता है। ऑप्शन है आपके पास सरप्लस और डेफिसिट, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कैश बैलेंस, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कैपिटल फंड, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नेट प्रॉफिट और लॉस। क्या पूछा है आपसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, क्या बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो आपको यहां पर समझना है और वही आपको यहां पर ध्यान देना है। तो आप सबको पता होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी हमें शो करता है वो क्या होता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू पता लगता है आपको सरप्लस एंड डेफिसिट। तो क्वेश्चन नंबर वन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप अपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करते रहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहेंगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा और मुझे पता लगता रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब यहां तक ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या पूछ रहा है हमसे, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे, कि डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन। अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए डोनेशन मिला है तो उसको कहां शो किया जाता है। अब याद करो, आपको याद होगा तो आप सबने पढ़ा है कि डोनेशन दो उद्देश्य से मिलते हैं, पहला होता है जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन भी दो टाइप का होता है, एक तो स्मॉल अमाउंट और एक बिग अमाउंट डोनेशन। अब बिग अमाउंट डोनेशन हो चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, और नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम्स को कहां दिखाया जाता है बेटा, इनको शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड में। कहां शो किया जाता है बेटा इनको, लाइबिलिटी साइड में इनको शो किया जाता है। तो पता लग गया आपको कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबका, वेरी गुड, सारे बच्चे रिप्लाई जरूर करते रहे, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर थ्री, कि व्हेन द पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक टू। क्या लिखा है, जब पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में देता है तो द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक टू। मतलब कि जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आता है तो एंट्री याद करो ना क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री होती है बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पता लग गया अपने को कौन सा अमाउंट आएगा, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करना, यही पूछा है कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिट कौन से अकाउंट में होगा, फिर कैश या बैंक अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थ्री का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, देखें अपने को समझो क्या होता है।
ये क्वेश्चन नंबर फोर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। नया पार्टनर अपने साथ जो गुडविल का पैसा कैश में लेके आता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान देना कि जब भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो एडमिशन जब भी नया पार्टनर लेगा तो वो अपने साथ जो अमाउंट लेके आएगा वो अमाउंट वो दो पर्पस से लेके आएगा। पहला अमाउंट क्यों लाएगा? टू पार्टिसिपेट इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पैसा लाता है न्यू पार्टनर उसको कहते हैं कैपिटल। और दूसरा अमाउंट क्यों लाता है? टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पैसा न्यू पार्टनर लेके आता है उसको क्या कहते हैं मैडम? उसको कहते हो आप प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एसेट प्रॉफिट प्रीमियम लॉस। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करते रहे बेटा। बहुत बढ़िया, ये भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों का ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान देना क्या दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज सॉरी क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फाइव? स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ अ कंसर्न इज सिक्स टाइम। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन ऑफ द रेशियो इज, देखो अगर ये प्योर रेशियो होता तो ये 6:2 या 6:1 ऐसे कुछ होता, वैसे नहीं है, सिक्स टाइम्स में है ये तो प्योर रेशो तो नहीं है। रेट रेशो ही इस तरह से आता है, परसेंटेज में होता तो ये 60% या 6% कुछ ऐसे होता वो भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा आंसर मिल रहा है हमको कि टाइम्स में अगर दे रखा है तो वो क्या कहलाता है? रेट रेशो। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अपन ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है बेटा आपसे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे पूछा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्ट्स ऑफ क्या क्या चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट बिल्कुल चाहिए होता है, डिक्रीज इन करंट असेट्स ये भी चाहिए होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये भी चाहिए होता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया है ध्यान देंगे आप कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस इज, रेशियो एनालिसिस को प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? क्या है रेशियो एनालिसिस को प्रिपेयर करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है आपको नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी पोजिशन। बिल्कुल ये जो लिक्विड रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है, ये लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताते हैं। नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल जो इनकम रेशियोज है या प्रॉफिट रेशियोज है वो क्या बताते हैं आपको? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, बिल्कुल जो सॉल्वेंसी रेशियो है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, वो क्या बताते हैं? सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो मतलब इन सबकी जानकारी के लिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है। सो दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन। क्लियर है, सबको बात समझ में आ रही होगी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया है ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर एट अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक भी सबका जवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो बेटा कि क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कर दो, क्या होगा ध्यान दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, अनादर नेम ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल का एक नाम और क्या होना चाहिए। आपको याद हो तो बताया गया था पहले कि करंट रेशियो ही वर्किंग कैपिटल रेशियो कहलाता है। देखो ना बच्चे कंफ्यूज मत होना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज द करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज द डिफरेंट रेशियो। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशियो का नाम दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो गया हमारा बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन
अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म कितना है बेटा? 49,500 नेट प्रॉफिट दे रखा है, 49,500। मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ध्यान देना, ये बिफोर लिखा है। अब जब भी बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100। अगर ये आफ्टर होता तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा नेट प्रॉफिट इनटू आर अपॉन 100 प्लस आर। अगर ये आफ्टर होता तो, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन होता तो, लेकिन यहां तो बिफोर है तो बिफोर में तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बिफोर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49,500 नेट प्रॉफिट, उसका 10% तो 4,950। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? जिन बच्चों का गलत है उनको भी बात पता लग गई होगी कि क्यों गलत है। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर ऑफ अ कंपनी इज 30 डेज। एक कंपनी के कस्टमर्स को जो टर्नओवर का टाइम पीरियड दिया जाता है वो कितने दिन का है? 30 दिन का। ठीक है, इट्स क्रेडिट कलेक्शन वुड बी पीरियड ऑफ इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज पुअर, कम माना जाएगा, यह पूछा है। क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है? क्रेडिट पीरियड का मतलब है कि जब भी कंपनी अपने कस्टमर्स को उधार बेचती है ना, तो ये मानती है कि विद इन 30 डेज हमारे को पैसा मिल जाएगा, मतलब 30 दिन की उधार दी जाती है। अब अगर 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन से पहले पहले कस्टमर से पेमेंट आ जाता है तो भैया कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वही पेमेंट 30 दिन के बाद आ रहा है कस्टमर से तो फिर वो पुअर कंडीशन मानी जाएगी। तो अब कलेक्शन अगर 36 डेज में हो रहा है, दैट इज आफ्टर 30 डेज, तो मतलब ये कंडीशन पुअर है। 28 डेज पहले आ रहा है 30 डेज से तो मतलब कंडीशन ठीक है। 20 डेज में पहले आ रहा है मतलब वो भी कंडीशन ठीक है। 15 डेज में पहले आ रहा है मतलब वो भी कंडीशन ठीक है। तो हमको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, पढ़ो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म इज मेड टू। अगर पार्टनर्स की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पार्टनर्स को पैसा देना है, तो वो पेमेंट किसको किया जाएगा? ऑब्वियस बात है, पार्टनर्स का पैसा है, किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को ही पेमेंट किया जाएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब पार्टनर्स से लेना है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब फर्म विल पे टू पार्टनर्स। डेबिट बैलेंस होगा तो मतलब पार्टनर्स विल पे टू फर्म। तो किसको पेमेंट हो रहा है? क्रेडिट बैलेंस है, फर्म विल पे टू पार्टनर्स, तो पेमेंट किसको किया जाएगा? यहां पर पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, अरे वाह, देखो कोई सा भी अकाउंट जो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानकारी देता है, एनी अकाउंट विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, वो क्या कहलाएगा? आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट भी एसेट्स को रियलाइज करने पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानकारी देता है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, यहां तक भी बिल्कुल सबका ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो अपन से, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देना कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो ध्यान देना, मैं एक स्टेटमेंट बताता हूं आपको, याद दिलाता हूं। हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था तब आपको यह बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन जो डोरमेंट कंपनीज है, 1% कंपनीज है और स्मॉल कंपनीज है, इनको कंपनी एक्ट के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए डोरमेंट मतलब इनएक्टिव कंपनीज, 1% कंपनीज और जो आपकी स्मॉल कंपनीज है, इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना प्रिपेयर नहीं है, बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो भैया इनएक्टिव के लिए नहीं है, 1% के लिए नहीं है, स्मॉल के लिए नहीं है, तो किसके लिए जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब पब्लिक कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। क्लियर होगा यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बात करते हैं अपन। क्या दिया है यहां पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इफ
ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड बाय 365, इट बिकम द रेशियो ऑफ, फॉर्मूला याद करो किसका था, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला था आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड का। तो ये तो पूछा है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी ट्रेड पेबल है ना ये तो, हाँ गलत हो गया मेरे से, ट्रेड पेबल है बेटा ये, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब है आपका एवरेज पेमेंट पीरियड, कलेक्शन तो ट्रेड रिसीवेबल के लिए आता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी माय मिस्टेक। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है ध्यान देना समझो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी 78%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको मैंने पहले बताया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का एक तरीका हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, आपका 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो 78 है तो कितना आ जाएगा बेटा ये आपका 22%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा आपका 22%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मिल गया हमको, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहां तक भी लगभग लगभग सभी बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं, सबने बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत की है आज। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है ध्यान दीजिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ध्यान देना, आपको कुछ चार स्टेटमेंट दे दिए, इन स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक बात करते हैं। सबसे बड़ी कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का पार्ट होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होगी कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होगी पेड अप कैपिटल। अब आपको पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल, तो हो क्या सकता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इक्वल टू और ग्रेटर देन इशूड कैपिटल होगा। यहां पर लिखा है केवल इक्वल टू, तो हमेशा बराबर होगी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे कहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल, ये हमेशा संभव हो सकता है, ध्यान से समझना, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल इक्वल टू में भी आ सकता है, लेकिन 99% केसेस में आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जब भी कॉन्ट्रोवर्सी कुछ इस तरह की क्रिएट हो जाए ना तो आपको ग्रेटर देन पे ही चलना है। पेड अप कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो जाए, पेड अप कैपिटल इशूड कैपिटल ज्यादा हो जाए संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया अपना, नन ऑफ द अबव, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 4, क्या क्वेश्चन दिया बेटा आपको कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कितना दे रखा है बेटा आपको 4, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो दिया हुआ है आपको 4, ठीक है। आगे कहा है इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 240,000, कॉस्ट 240,000, और आपसे पूछा है एवरेज इन्वेंट्री, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूले में लगाएंगे तो 4 इज इक्वल टू 240,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 240,000 अपॉन 4, दैट इज 60,000, तो आपका आंसर हो गया बेटा 60,000, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जवाब यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है ध्यान दो, द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स फंड एंड द टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसके किसके बारे में पूछा है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स,
शेयर होल्डर्स फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं। अब इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, याद कर लो फॉर्मूला किसका था, यह फॉर्मूला था आपका प्रोप्राइटरी रेशियो का। मिल गया हमको आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, ध्यान देंगे आप, समझो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इफ अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज 6, ईपीएस कितना है बेटा 6 और डीपीएस कितना है बेटा आपका 4, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपसे पूछा है, तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100, डीपीएस है आपका 4, ईपीएस है 6 इंटू 100, तो ये हो गया 2/3 इंटू 100, तो मतलब 66.67%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। बहुत बढ़िया, सब लगभग लगभग सभी बच्चों के जवाब यहां तक भी ठीक है। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स वाइल कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब जब भी हम लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उस समय स्टॉक को हम करंट एसेट्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि क्या नहीं है, वो एक लिक्विड एसेट नहीं है, स्टॉक क्या नहीं है, एक लिक्विड एसेट नहीं है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, तो देखते हैं। इट मेक्स द कंपैरिजन इजियर एज ओनली 2 करंट लाइबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन द एसिड टेस्ट रेशियो। नहीं, और भी कई तरह की करंट लाइबिलिटीज आती है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। बैंक रिकॉग्नाइजेस कैश एंड डेटर्स ओनली एज लिक्विड एसेट्स, ये ऐसा भी नहीं है, बैंक केवल कैश और डेटर्स को लिक्विड एसेट्स मानती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉक इज नॉट ए लिक्विड एसेट, हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कि ओनली डेटर्स कैन बी इंक्लूडेड एज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश शॉर्टली, नहीं ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो वेरी गुड, मिल गए सारे क्वेश्चन के आंसर, सिंपल सा पेपर था, तो कोई ज्यादा मुश्किल पेपर था नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि कौन आज के टेस्ट के टॉपर्स हैं, चलिए फटाफट से उनके नाम अनाउंस करते हैं अपन फटाफट। चलिए तो हमारे टेस्ट नंबर 10 के जो टॉपर्स हैं, फटाफट से उनका नाम अनाउंस कर देते हैं, आप सारे बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे, सबको बहुत बहुत बधाई। हमको दिए हुए रैंक 1 अचीव करने वाले बच्चों के नाम है खुशी एंड अदिति, चलिए कैन वी क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम, बहुत बढ़िया। और आज भी मैं बता दूं, खुशी की बात यह है कि रैंक 1 जो है वो 20 out of 20 ही है, रैंक 2 जो है वो 19 out of 20 है, और रैंक 3 जो है आपकी वो 18 out of 20 है। और रैंक 2 अचीव करने वाले बच्चों के नाम है ऋषि और सार्थक, इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत बधाई, इन दोनों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बाय हार्ट, बहुत बढ़िया। इंप्रूवमेंट जरूरी है, आप सब बच्चों ने इंप्रूवमेंट किया है, भैया जिनका नाम नहीं आया है प्रयास करो, आपका भी नाम यहां पर आना चाहिए। और रैंक 3 अचीव करने वाले बच्चों के नाम है भव्या, हर्षित, स्नेहा एंड पलक, आप सबको एक बार फिर दिल से बहुत बहुत बधाई। और रैंक 3 अचीव करने वाले बच्चों को भी के लिए भी क्लैपिंग्स, लेकिन इंप्रूव करो बेटा अपने आप को, कोशिश ये हो कि सारे के सारे बच्चे रैंक 1 में आ जाए, और मुझे इसकी बहुत खुशी होने वाली है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।